हेलो एवरीवन, आज हम ब्रश से रिलेटेड 67 वर्कशीट गणित की करेंगे। तो बच्चों, आज हम एक और प्रमेय, एक और थ्योरम को लेकर आए हैं कि एक व्रत या सर्वांगसम व्रतों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं, यानी इनकी दूरी समान होती है। ए बी और सी डी की दूरी ओ के समान होगी, ओ एम और ओ एन की दूरी इसके समान होगी। अब इसी का विलोम होता है कि एक वृत्त से केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। तो यदि ओ एम इक्वल है ओ एन के, तो क्या होगा? ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। तो आइए आगे करते हैं। आगे हमारा पहला उदाहरण, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए, तो सिद्ध करना है आपको ए क्यू को डी क्यू के इक्वल। तो इसके लिए क्या करेंगे, एल ओ को निकाल लेंगे सबसे पहले। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद डी क्यू को भी निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको कॉन्ग्रेंट शो करेंगे। तो जब ये कॉन्ग्रेंट शो हो जाएंगे, सर्वांगसम शो हो जाएंगे ए एस ए नियम से, तो ओ एल को ओ एम के इक्वल कर देंगे सी पी सी टी से, तो ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी आप लोगों का होगा, आपको बी को डी के इक्वल और ए को सी के इक्वल शो करना है। अब आपका ये प्रश्न है कि यदि एक वृत्त को दो समान जीवाओं के भीतर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत कोणों के बराबर है। तो आप लोगों को शो करना है, तो आप इस तरह से शो करेंगे, ये दोनों आप लोगों के आ जाएंगे। पहला सिद्ध करना है कि ए पी इज इक्वल टू पी डी और बी पी इज इक्वल टू सी बी, तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। सेकंड है, यदि एक रेखा समान केंद्र वाले दो संकेंद्रित वृत्त को ए बी सी डी दो पर काटती है, तो सिद्ध करना है ए बी इक्वल सी डी। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा कि ओ एम, एक एम लेंगे जो कि बाइसेक्ट करेगा इनको, तो इनको आधा कर देगा, तो ओ एम किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ए बी के। तो इससे क्या होगा, ये ए एम पूरा और सी डी पूरा इक्वल हो जाएंगे, ए एम और एम डी। इससे क्या होगा, इससे बी एम और एम सी भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो जब आप लोग माइनस करके देखेंगे तो ए एम पूरा, उसमें बी एम हटाया तो ए बी बचा, इसी तरह से सी एम हटाया तो क्या बचा, सी डी बचा। थर्ड भी इसी तरह से आप लोगों को आएगा, आप लोग इस तरह से पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे वर्कशीट आप लोगों की खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। तो जो भी हमारे पहले 10 व्यूअर्स हैं, वो अपना नाम किसमें, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो लिखेंगे। और मैं इस जो ये वीक है हमारा पूरा ही, जनवरी के बाद मैं एक सरप्राइज भी दूंगा जो लोग हमारे बेस्ट व्यूअर होंगे। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट